हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी रो जो फर्स्ट सेमिस्टर बीएड रे यूनिट फोर रु आम स्टार्ट करिबा। तो यूनिट पिक्चर हम देखौछि, यूनिट वन कवर हेइछि, यूनिट टू कवर हेइछि, यूनिट थ्री भी कवर हेइछि। सेथरे जो दुईटा रहितला जो कहली प्रेजेंट एज आउ ब्रिटिश एज, ए दुईटा आम कहते निजे पढ़ देते किसी आराम से जितक सिलेक्शन देखिए से ही पढ़े। ब्रिटिश एज्रे विक्टोरिया एलिजाबेथ एवं प्रेजेंट एज्रे इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, किरण बेदी, कल्पना चावला, एतिक ही आप पाइबे। और यह अति स्टोरी टाइप आप निजे पढ़ते से भिडियो कहीं टाइम वेस्ट हो मुझे किसी डिस्कस कल ना। तो आज यूनिट फोर आम डिस्कस करवा तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही वुमेन राइट्स, लीगल प्रोविजन, इक्वालिटी ऑफ सक्सेस एंड एथिक डिस्कस करवा। तो चलत आज वन बाय वन डिस्कस करवा। फर्स्ट ए भिडियो जो डिस्कस करवा डिस्कस अबाउट वुमेन राइट्स, वुमेन मान कौन राइट्स रही अधिकार रही विषय में। जो वुमेन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड इज एन इंपोर्टेंट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड ग्लोबल वेलबींग। ऑब्वियसली जे टोटल ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, विश्वर वेलबींग विश्वर भलपाई समस्त वुमेन मानकर जो राइट्स को बजाय रखा हूँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस। ओके, सो वुमेन्स राइट इज द फाइट फॉर द आइडियाज दैट ऑल वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स विथ मैन। जे वुमेन राइट्स कहना गोटे प्रकार फाइट जहाद्वारा कि मैंने कौन फाइट मीनस कौन जे जमी मेन मानक मनुष्य पुरुष मानक जमीका राइट्स रही भाव में समस्त नारी मानक भी से इक्वल राइट्स रहा दरकार। ओके, सो वुमेन राइट कैन बी क्लासीफाइड इंटू सेवेराल जेनेल कैटेगोरीज दे आर डिस्कस बिलो। तेणु वुमेन मानक जो राइट्स अच्छी कौन कौन राइट अच्छे से सब राइट्स वन बाय वन डिस्कस कर। फास्ट डिस्कस कराला जे इकोनोमिक राइट, इकोनोमिक राइट कौन जे इकोनोमिकली जो अर्थनीतिक दृष्टि अधिकार रहा दरकार। जमी कहला राइट टू ओन प्रॉपर्टी, जमी मेन मैंने जमी से निजर प्रॉपर्टी ना करती से भाव में वुमेन मैंने भी ना प्रॉपर्टी करेंगे। राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी इनटू हर ओन नेम एंड कंट्रोल इट, से जिनसा कहला गोटे जिनस जमी पुरुष कौन कर तार गोटे प्रॉपर्टी किणुच्छे ता ना निज ना रखिकी कंट्रोल करुच्छे। तो सहीटा ये गोटे से इक्वल राइट गोटे वुमेन को भी देवा दरकार। नेक्स्ट कहला राइट टू टेक् डिसीसन, गोटे वुमेन सी निजर डिसीसन नहीं पार जे हु विल इनहेरिट हर प्रॉपर्टी, ता प्रॉपर्टी को किए चलेब। राइट टू हर ओन इनकम बेसिस, निज इनकम बेसिस को नहीं कि तार अधिकार रहा दरकार। एक्सेस टू जॉब और एनी प्रोफेशन, निजे चाहिए तार जॉब जब तार पर कन्वीनियंस होजे जेकोसी जॉब को से चूज कर निजे जॉब एनी प्रोफेशन से रही पार ये अधिकार तक रहा दरकार। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम समान पैसा रहा दरकार। जमी गोटे गोटे आई टी सेक्टर में जी गोटे पुरुष कम करुच्ची तार सालरी जब 50,000 रहा थी तेज से ही जगह जब फीमेल कैंडिडेट ताकू भी से इक्वल पेमेंट बा इक्वल सालरी ताकू दबा दरकार। इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल जॉब प्रेफरेंस, जॉब प्रेफरेंस दु जन को इक्वल भाव में ट्रीटमेंट करवा दरकार। ओके, नेक्स्ट कहला जे सिविल सिविल राइट, एटा कहला इकोनॉमिक राइट, तापर सिविल राइट कौन कहला जे लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट हो जा कौन से लीगल हेयर हो तो से तार अधिकार रहा दरकार। बी ए विटनेस इन कोर्ट, कोर्ट रे से भी गोटे साक्षी भाव से भी सेटा को जाईपर से भी साक्षी दे पार तार से अधिकार रहा दरकार। मैरिज एंड डाइवोर्स राइट्स, तार से चाहिए मैरिज करे चाहिए डाइवोर्स भी करपर तो ये अधिकारी भी ताक रहा दरकार। यह सब अधिकार दि जाए बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो मैरिड वुमेन्स लीगल एक्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड, जदि गोटे मैरिड वुमेन चाहिए तार हस्बैंड से सेपरेट हे से हो पार। कीपिंग हर ओन नेम आफ्टर मैरिज, मैरिज पर जब चाहिए निज नेम को जहाँ रही फास्ट रू से मैरिज पर भी सी रखिपर से तार अधिकार रही। राइट्स टू लिव वेयर सी वांट्स टू लिव, जो भी चाहिए रहा अधिकार थी से रहीपर। डाइवोर्स राइट्स, तार चाहिए से डिवोर्स जब से करा चाहूँगी तार से अधिकार रही। राइट्स टू चाइल्ड कस्टडी आफ्टर द डाइवोर्स और विडोड, विधवा पर डाइवोर्स पर से चाहिए पिलाटा को से रखे रखिपर। फ्रीडम टू चेंज नेशनालिटी, तार नेशनालिटी को जब से चेंज कर हिंदू जब से मुस्लिम हम ख्रिस्टियन हम तेनाली से ऑब्वियसली से चेंज कर। तो ये सब राइट्स को सिविल राइट्स।
ନେକ୍ସଟ କହିଲା ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚୁରାଲ ରାଇଟ୍ସରେ କ'ଣ କହିଲା, ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିକି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବେ ଏକ୍ଜାମରେ। ଓକେ, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚୁରାଲ ରାଇଟ୍ସ କହିଲା ଯେ ଇକ୍ୱାଲ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହାୟର ଏଜୁକେସନ। ଯେ ସୋସିଆଲ କଲଚୁରାଲ କଥା ଆସୁଛୁ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ କଥା ଆସୁଛୁ ମାନେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରେସ୍, ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ରେ ନିଜ ଇଏରେ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ସେ ବୁଲିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚଏସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କରିବ କି ଦୁଇଟା ପିଲା କରିବ, ସେଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ସେ ନେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଅସ୍ଲି ସେ କରିପାରିବ। ରୁଲରସିପ୍ ଅନ୍ ହର ଓନ୍ ନେମ୍, ନିଜ ନେମ୍ରେ ବି ସେ ନିଜେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ରୁଲ୍ କରିବି, ସେ ରାଇଟ୍ ବି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ ରାଇଟ୍, ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚୁରାଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍, ଚାରିଟା ରାଇଟ୍ସ ଆପଣ ଲେଖିକି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବେ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ବହୁତ ତାକୁ ଇଜିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି PDF ନେବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ ପେପର ରହିଛି ଓନ୍ଲି 150, ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ନେଇକି ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ପିଲା ନେଇସାରିଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।